मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित शाह सुल्तान कॉलोनी कंगन के निवासियों ने शनिवार सुबह क्षेत्र में बिजली संकट के विरोध में श्रीनगर ले राजमार्ग कांगन के को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाओं ने धरना दिया और सड़क पर यातायात को बाधित किया। आरोप लगाया कि क्षेत्र पिछले एक सप्ताह से अंधेरे में है, जबकि पीडीडी क्षेत्र में बिजली बहाल करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ, बेग इरफान की खास रिपोर्ट। जब बिरादरी के वार्षिक मेले रविवार को गांव सतरिया स्थित दाता धर्मचंद जी के देवस्थान पर श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाए गए, इस दौरान बिरादरी के लोगों ने देवस्थान पर पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। आज बिलावर उपजिला के ब्लॉक डुगैन में नेहरू युवा केंद्र कठुआ ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें पंचायत धनोप्रोल के आंगनवाड़ी सेंटर में दो लोगों को कोरोना वायरस से निपटने के उपाय बताए और उससे लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर राधा देवी, नीलम देवी, अमर सिंह, प्रीतम सिंह मौजूद रहे। बिलावर उपजिला से कैमरामैन चेतन के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आरसपुरा 16 मार्च नेशनल अस्पताल गाड़ीगढ़ की तरफ से आरसपुरा के सीमावर्ती गांव बेरा में एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय के बारे में जागरूक किए गए। पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह तथा पंचायत पूर्व नायब सरपंच विजय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने कैंप का उद्घाटन किया। हमने ये आज कैंप लगवाया है, मेडिकल फ्री ट्रीटमेंट, फ्री चेकअप, और ये कोरोना की जो बीमारी है इसके लिए हमारे बॉर्डर के ऊपर में लोग, आप लोगों को पता है, मीडिया को और पूरे हिंदुस्तान को, कि हम लोग बॉर्डर के लोग बम्बों से लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई संकट आ जाता है हिंदुस्तान पे, तो हम लोग 24 घंटे तैयार हैं। इसीलिए हमारे डॉक्टरों की टीम आई है आज, और स्पेशली डॉक्टर इसी के लिए लोगों को समझा रहे हैं और मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं कि ताकि इस बीमारी से बचने का क्या नुकसान होता है। सबसे पहले हमारे किसान लोग जो हैं, हम लोग बॉर्डर के गरीब लोग हैं यहाँ रहने वाले, हमारे लोग आते हैं ऐसे हाथ धोते हैं, और हाथ धो के और खाना खाना चाहिए, और अपने शरीर की और अपने अंदर की सफाई रखने से। मास्क अगर नहीं मिलते हैं बाजार में, तो हमारी महिलाएं घर के अंदर में बना के दे सकती है कपड़े से, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर में पैसा खर्च करने की। कोई मास्क मिले तो मास्क से बात होगी, हमारे घर के अंदर मास्क बन सकते हैं लेडीज़ थोड़ी सी टाकी लेके, और पहले भी तो लोग घर में सीते थे, थोड़ी सी पट्टी लगानी है मुँह पर, इस चीज़ों से बचा जाए। और भगवान के आगे हम यही दुआ करेंगे कि हमारी बॉर्डर की साइड में कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा चीज़ नहीं आते, तो हम जैसे बॉर्डर पर डटे रहते बम्बों के साथ, वैसे ही हम युद्ध के आगे युद्ध में तैयार रहते हैं। पहले तो वेलकम करता हूँ डॉक्टर साहब का, जो सरकार की तरफ से जो है मेडिकल कैंप लगाया गया है। बाकी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके लिए हमारे को खुद का भी थोड़ा देखना चाहिए कि हाथ वगैरह जो है डेटोल के साबुन से धोने चाहिए। बाकी बॉर्डर के लोग हैं वैसे तो स्ट्रांग ही हैं, बाकी जो बीमारी तो किसी का भी वो नहीं करती है। ठीक है, सरकार का मैं वेलकम करता हूँ कि उन्होंने कैंप वगैरह लगाए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर अभियान चलाए गए। सैनी आरएसपुरा 16 मार्च ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव तथा गंडी पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने सरकार से मांग की है कि सरकार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर जागरूक कैंप लगाए जाने चाहिए, ताकि लोगों में जो वायरस को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है उसे कम किया जा सके। आरएसपुरा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन के दौरान साहनी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सीमावर्ती लोगों में भी दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। जो की खबर नाव के लिए सोहन चौधरी की रिपोर्ट। गुरदीप सैनी, सरपंच का गंडी और शेड जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। आज मैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के झंडे तले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कोरोना के बारे में ज़्यादा हाइपर ना हो, इसकी थोड़ी प्रकाशंस को फॉलो करें। क्रोड में नहीं जाना, किसे हाथ नहीं मिलाना, गंदगी में नहीं जाना, और गंदगी में नहीं रहना, साफ सफाई रखें। ये कोई बड़ा मसला नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, इसके डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रकाशन कर फॉलो करनी है। मैं आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के झंडे तले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि मैं आज जम्मू कश्मीर की पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के लिए सिर्फ हमें प्रकाशन लेनी है, हाथ नहीं मिलाना है, गंदगी में नहीं रहना है, और क्रोड में नहीं जाना है, और मास्क लगा के रखना है। और लोगों को ये मेरी तरफ से अपील है, मेरी पूरी टीम की तरफ से अपील है कि लोग इस प्रकाशन को फॉलो करें, और मेडिकल खासकर डिपार्टमेंट को, जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट को और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट एलजी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे लोकल बॉडी के पेन तर्ज पे हमें जो जम्मू कश्मीर की पंचायतें हैं
उनको भी मास्क और सैनिटाइजर फ्री दिया जाए, कि जैसे लोकल बॉडी में दिया जा रहा है, जो गरीब जनता हमारी उनको हम कम से कम फ्री दे सके, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम अपील करते हैं वो मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। और जो फ्री अवकाश के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें जम्मू कश्मीर की सारी आठ पंचायतों को जो कि सैनिटाइजर और मास्क फ्री दिए जाए, और जो कालाबाजारी मास्क की और सैनिटाइजर की हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए, उस पर चेक रखा जाए। दूसरा, मैं आज जम्मू कश्मीर पंजाब कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमें स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का वापस दिया जाए, और दूसरा हमारी जो लैंड है वो प्रोटेक्ट की जाए जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो लोगों में डर पैदा हुआ है कि ड्यूटी बढ़ने से वो लोगों में से डर खत्म हो। दूसरा, तीसरा जो हमारा ये जहाँ के जो यूथ है उनकी जो सर्विस है वो प्रोटेक्ट की जाए, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है उनके लिए प्रोटेक्ट की जाए सर्विस हर डिपार्टमेंट में, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ही जम्मू कश्मीर में सर्विस मिले। चौथा जो है हमारा जो एक अपील है गवर्नमेंट के साथ कि डोमिसाइल बोर्ड जल्दी जो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए, हमें वेलकम करके ड्यूटी बनी है, मगर ड्यूटी का वेलकम तभी करते हैं जो अब सेंट्रल की जो फोर्सेस हैं जहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने हैं लाभ वो करें, मगर हमारा स्टेटहुड वापस दिया जाए जो लोगों में विश्वास पैदा हो सके और लोगों में ये जो लोकल गवर्नमेंट आ सके, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो किसी को मान नहीं रही है, अपनी मान मर्जी कर रही है, अगर लोकल गवर्नमेंट होगी स्टेटहुड होगी तो हमारे लोगों का जो बेहतरी हो सकेगी, हमारे लोगों के काम हो सकेंगे, यही मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। T20 चुची माता टूर्नामेंट का हुआ आगाज, SHO सांबा सूरज पठानिया मुख्य अतिथि रहे, रजुल सिंह सुरेंद्र सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। और ये बड़ी शानदार टूर्नामेंट है क्योंकि इसका रिवार्ड बड़ा हाई है, 50,000 के करीब जो फाइनल लिस्ट होंगे उनको मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो यंग जनरेशन, आप जैसे जानते हैं कि ड्रग्स का प्रचलन बड़ा ज्यादा हो गया है, पर युवा अगर स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होंगे और ऐसी टूर्नामेंट्स होती रहेंगी तो इससे तो क्लियर कट है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो नशे से दूर हटेंगे और मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे, और स्पोर्ट्स सबसे अच्छी चीज़ है जो युवा को वापस अपनी अच्छी दिशा पर ला सकती है। जी ठीक है सर। कहाँ सलाथिया है और मैं आज अपनी टीम गुड़ा सलाथिया का क्लब, गुड़ा सलाथिया क्लब का कैप्टन हूँ। तो आज इस टूर्नामेंट, जैसे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई है इन्होंने, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको सबको पता ही है आजकल जैसा कि जो यूथ है हमारा ड्रग्स की ओर बड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अगर आप उनको खेलों की तरफ स्पोर्ट्स की तरफ उनको थोड़ा सा लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहाँ के युवाओं ने या जहाँ भी जो सीनियर लोग हैं जहाँ पे उनके सहयोग से ये टूर्नामेंट हो रही है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें विभिन्न आप कह सकते हो कि स्टेट्स के लोग भी भाग ले सकते हैं और विभिन्न जिलों के लोग भी भाग ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि इस तरह की टूर्नामेंटें और भी कराएं हमारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं कि क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ही पीछे है। हमारे जो जहाँ के लोग हैं वो रणजी तक ही देखते हैं, अभी अब्दुल समद जी हैं, एक दो प्लेयर ही हमारा जो है IPL में आया है, लेकिन इतने हाईलाइट नहीं है कि जम्मू कश्मीर का कोई लड़का कोई अच्छे लेवल पे इंडिया लेवल पे खेला हो या कहीं पे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी J&K गवर्नमेंट से या केंद्रीय गवर्नमेंट से कि इस तरह की टूर्नामेंटें करवाएं और युवाओं को मौका मिले। जैसे कि आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर में नशे की तरफ बहुत युवा जो बढ़ रहे हैं, खेल के साथ क्या होता है कि युवा जो हैं वो दूर रहते हैं नशे से। इस तरह की टूर्नामेंटें होंगी तो ऑब्वियस है कि उनका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, खेल की तरफ जाएगा, माइंड रिफ्रेश रहेगा। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा उनसे लास्ट में कि अच्छी टूर्नामेंट करवाएं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं और भी अच्छे स्टेडियम हैं जहाँ भी अच्छी टूर्नामेंट करवाएं।